आपके पास ही मैं पहले आ रही हूं। नंबर गेम को कुछ क्लियर अब तक स्थिति हुई है या कल ही पिक्चर साफ होगी, क्योंकि कल एनसीपी के दोनों ही धड़ों की बहुत अहम बैठक होने वाली है। सही है पूजा जी, अभी तक तो जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें प्रूव करना बाकी है। अभी अजीत पवार गुट जो है उन्होंने 2/3 मेजोरिटी अभी तक प्रूव नहीं की है। अभी थोड़े पहले से शुरुआत करना चाहूंगा। अभी ये जो 2/3 जो लोग अजीत पवार के साथ गए हैं उन्होंने ये सही किया नहीं है इस मामले में कि उन्होंने पहले गुट फॉर्म करना चाहिए था, पहली मेजोरिटी प्रूव करनी चाहिए थी और फिर वो जाके मंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए थी, ये संविधान के अनुरूप होता। लेकिन इन्होंने पहले जाके शपथ ली और अब वो मेजोरिटी प्रूव करने के पीछे भाग रहे, तो ये पहला ये उनका स्टेप ही गलत था। दूसरी बात ये है कि अभी जो गए वो लोग, कल भी आपने अगर कल उनके सभी सीनियर नेताओं के अगर स्टेटमेंट सुने होंगे तो अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी को ही मान रहे और वो खुद को एनसीपी की पार्टी ही कहला रहे। तो इसीलिए मेरा इसीलिए कहना ये शायद शरद पवार जी ने अजीत पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए प्रफुल्ल पटेल उनको पार्टी से निकालने की बात कह दी, इसीलिए सुनील तटकरे उनको पार्टी से निकाला, उनका घोषित कर दिया, लेकिन अजीत पवार, छगन भुजबल इनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं। नहीं सुनिए सुनिए पूजा जी, 9 के 9 लोग इंक्लूडिंग अजीत पवार, छगन भुजबल, मुशरिफ जो भी गए उनके खिलाफ एक लेटर विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र को दिया गया है, उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है। और उनको देखिए क्या होता है, विधायक मतलब पूरी पार्टी नहीं होती। अभी उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम पार्टी है और ये पार्टी डिसीजन था, वो पार्टी डिसीजन जिस मीटिंग में उन्होंने लिया 2 दिन पहले संडे को, वो मीटिंग में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को बुलाया नहीं था। पार्टी अध्यक्ष के बिना जो निर्णय लिया जाता है वो पार्टी का डिसीजन हो सकता है क्या? टेक्निकली नहीं हो लेकिन सकता। प्रफुल्ल तो पटेल हमारे जी, उन्होंने भी तो ये बात कही थी कि हमारे अभी भी हमारे साथ हमारे ऊपर शरद पवार का आशीर्वाद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी ये बात की, तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई लेकिन की? नाराजगी सिर्फ क्या ये प्रफुल्ल पटेल शरद, से क्यों? वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ नाराजगी प्रफुल्ल पटेल से नहीं है। मैंने अभी मेरे स्टेटमेंट में यही कहा कि 9 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, 9 के 9 लोगों को पार्टी के सदस्य पद से निकाला गया है। अभी जैसे कि आपने कहा कल हमारी मीटिंग है, वो मीटिंग में हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है कि जो लोग गए हैं उन्हें अगर वापस आना है तो कल तक का अल्टीमेटम है, कल तक आप नहीं आओगे तो आपके ऊपर कानूनी जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट और ये हमारा स्टैंड है। आप कल देखिए, अभी कल मीटिंग में हमें पता चलेगा कितने लोग वापस आते हैं कितने नहीं आते। जैसे कि हम लोग 2 दिन से कह रहे हैं, बहुत सारे विधायक जो उनके साथ गए उन्होंने फोन करके हमारे लीडरशिप के साथ संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि हमें मतलब उधर पता नहीं था कि क्यों बुलाया है मीटिंग में और सिग्नेचर्स लिए गए तभी प्रेशर के अंदर हमने सिग्नेचर्स किए, लेकिन दिल से हम आपके साथ है। तो ऐसे भी कई लोग हमारे पास आएंगे, तो महेश तो जी ये क्या देखना बहुत अनुमान क्या है, क्योंकि जो अजीत गुट है उनकी तरफ से तो ये बात सामने आई है कि 35 विधायक उनके साथ हैं और 7-8 शामिल हो सकते हैं, आपके पास भी कुछ आंकड़ों का कुछ तो अनुमान होगा? कल तक रुकिए, कल 5 तारीख के अल्टीमेटम दिया गया है, कल के बाद हमें पता चलेगा। कल हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उसके बाद हमें पता चलेगा और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो भी सबके सामने आ जाएगा।